दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल सोमांच में। दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड में उद्यान सहायकों यानी कि माली के 500 पदों के संबंध में ज्ञापन दिया गया है पुष्कर सिंह धामी यानी कि सीएम उत्तराखंड सीएम को। ठीक है, क्या कुछ है पूरा मामला देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका धीरेंद्र सिंह और जो हमारे प्रिय मित्र हैं सन्नी जी का, क्योंकि आज उन्होंने समय निकाल कर वे गए आपका मुख्यमंत्री कार्यालय और उन्होंने वहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ है पूरा ज्ञापन देख लेते हैं जरा। सबसे पहले लिखा हुआ है मुख्य सेवा में मुख्यमंत्री साहब पुष्कर धामी जी उत्तराखंड सरकार विषय उद्यान सहायकों यानी कि जो माली होते हैं 500 पोस्ट के संबंध में। यानी कि आपको मैं बता दूं कुछ दिन पहले लगभग दिसंबर या मान लीजिए आप 2021 के आसपास 500 वैकेंसी निकालने की बात की गई थी सुबोध उनियाल जी जो कि मंत्री है वर्तमान में उनकी ओर से कि हम बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही 500 पदों पर भर्तियां निकालेंगे। तो उस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री साहब को और मैं आपको बता दूं 2014 से 21 तक कोई वैकेंसी नहीं आई इस प्रकार माली की उत्तराखंड में। हालाँकि आपको मैं बता दूँ उत्तराखंड पूरा जितना भी आपका निर्भर करता है बागवानी और आपका जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसी पर डिपेंडेड है, उसके बावजूद भी 2014 से लेकर 2021 तक कोई अभी तक भर्ती नहीं हुई, जिसे लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री साहब के कार्यालय में ताकि जल्द से जल्द जैसा आपने कहा था कि 500 पद आएंगे, जो कि आपने अमर उजाला जो सॉरी दैनिक जागरण का जो प्रकाशित खबर थी उसमें कहा था कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सहायक उद्योगों यानी कि माली की 500 जो पोस्ट होगी वो जल्द ही निकाली जाएगी। ठीक है, हालांकि वो अभी तक नहीं। अतः महोदय निवेदन करते हैं कि बेरोजगार उद्यान में जो डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आएगी उसके हालत आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ख़राब है वर्तमान में, तो जल्द से जल्द आप ये 500 पदों पर भर्ती जारी करने की कृपा करें। अतः महोदय संज्ञान में मैं यह बात लानी है कि संविधान और उपनयन के माध्यम से जो आप बैकडोर से भर्ती कर रहे हैं वो भी रोक लगनी चाहिए, यानी कि विभाग जो कर रहा है आपका आउटसोर्स एजेंसियों से और उपनल या कह सकते हैं हम संविधान पे, तो वो भी रोकने की बात कही गई है और साथ में कहा गया है कि जल्द से जल्द 500 जो आपने कहा था अखबार के माध्यम से उन्हें आप दे दीजिए फटाफट से। और ये हमारे सन्नी जी हैं, काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा स्पेशली। हालाँकि काफ़ी बड़ा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था, सभी के नाम मैं आपका ले लेता हूँ थोड़ा। इसमें गए हुए थे आपके प्रदीप खत्री, जसपाल राणा, राकेश सिंह, कृष्णा बिष्ट, आपका उमेद सिंह चौहान, आशीष बलूनी, ललित नेगी, नवीन सिंह, सुनील, सुधीर, अजय, कुलदीप, रोशन, विपिन, सुरेश, संजीव, हरिओम, दिनेश, नंदन, धनवीर, संदीप, पंकज और विमल नेगी, मंजीत नेगी, अजय कुमार, विक्रम कुमार और सुरेश कुमार। काफ़ी सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने इस मामले को सीएम जी के सामने पहुँचाया और आशा करते हैं और मैं मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि उद्यान जो सहायकों की या कह सकते हैं कि माली की जो आपने वैकेंसीज देने की बात कही गई थी अखबार के माध्यम से 2021 स्टार्टिंग में, तो प्लीज़ आप उन्हें जल्द से जल्द निकाल दीजिए ताकि उत्तराखंड में जैसा आप सभी को बताया कि बेरोजगारी की भरमार है ये किसी तरीके से ये कलंक यहाँ से आपका हट सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो सभी के पास शेयर कीजिए ताकि बात सीएम साहब तक, हालांकि ज्ञापन तो पहुँच चुका है लेकिन उन सभी तक बात पहुँच पाए। ठीक है, तो और धन्यवाद एक बार फिर सभी प्रतिनिधि जो वहाँ पर गए थे।